ઉમરગામ ખાતે મરાઠી સેવા સમિતિ દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં અગ્રેસર એવી મરાઠી સેવા સમિતિ દ્વારા હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓને તાત્કાલિક ધોરણે રક્ત મળી રહે તે માટે ઉમરગામમાં માનેક કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી ખાતે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મોટી સંખ્યામાં દાતાઓએ રક્તદાન કરી માનવ ધર્મ નિભાવ્યો હતો। उमरगाँव मराठी सेवा समिति के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, हम लोगों ने किया है यहाँ पे, और उसको अच्छा खासा प्रतिसाद भी मिला हुआ है लोगों का। साथ में अच्छे यहाँ के उद्योगपति लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया हुआ है। प्लस ब्लड डोनेशन का रखने का कार्यक्रम इसलिए रखा हमने ताकि लोगों को बहुत जगह पर ब्लड का काफ़ी प्रॉब्लम आता है, तो हमारी समिति के माध्यम से हमने ट्राई किया कि लोगों तक वहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना आवे, उसी माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है और उसको अच्छा प्रतिसाद मिला है। हम सभी लोगों का धन्यवाद भी चाहेंगे जिन्होंने हमको यहाँ पे सहयोग और प्रतिसाद सपोर्ट किया है उनका। हमारे समिति उमरगाँव मराठी सेवा समिति उन सभी का आभार मानती है जिन्होंने हमको योगदान प्रतिसाद। मैं डॉक्टर निशिता हूँ। मैंने मेरी लाइफ में आज पहली बार ब्लड डोनेट किया है और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि खून की अहमियत क्या होती है लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोगों की डेथ बस इसी वजह से हो जाती है क्योंकि उनको ब्लड सही टाइम पे नहीं मिलता, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है अपने इंडिया में। तो आज मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि कहीं पर भी आपको अगर चांस मिले ब्लड डोनेट करने का तो आप ज़रूर कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये ज़रूर ज़रूरमंद लोगों को हेल्प करेगा। सो थैंक यू। सेवा समिति मराठी सेवा समिति द्वारे जो ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम आम्मी आज इकड़ा ठेवलेला आहे त्याला अति उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे आणि लोकांची जरूरत पूर्ण करण्यासाठी किंवा जे आज रक्ताची गरज पडत आहे लोकांना त्याच्यासाठी हा कार्यक्रम अति उत्तम प्रकारे चाललेला आहे आणि असंच चालावं आणि असं लोकांनी ब्लड डोनेशन करून सर्वांना मदत करावी एवढीच आम्ही अपेक्षा करतो।